सॉरी इसलिए क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, डीआईडी वालों को मेल करके बात कर ली, फिर भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो अब करते हैं इसका जुगाड़। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी कैनवा प्रो वर्जन की, और कैनवा प्रो फ्री कैसे करना है उसको इस वीडियो में कंप्लीट बताया हूँ, यहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप ट्रिक को समझ गए। तो हमेशा की तरह बिना कोई बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। आपको आ जाना है कैनवा वेबसाइट या ऐप पर, यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करना, आपको यह साइज सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करें और इधर नीचे स्क्रोल करके यहाँ अपलोड पर क्लिक करना, फिर जो भी कैरेक्टर है जिससे आप वीडियो जनरेट करना चाहते हो उसे यहाँ अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके अपलोड कर लो। अपलोड हो जाने के बाद आप उस इमेज पर एक बार क्लिक करना। अब इस इमेज को रिसाइज कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ कलर्स पर क्लिक करना। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, अभी के लिए मैं यहाँ ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें जो लोगो है उसको देखने में आसानी हो। बस इतना करने के बाद फिर यह एरो पर क्लिक करना, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना। यह आपको फाइल टाइप PNG सेलेक्ट करना है, और साइज को आप देख सकते हो, आपको भी सेम साइज रखना है, फिर सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना। डाउनलोड होने के बाद अब आप स्टूडियो DID पर आ जाना, और 20 क्रेडिट फ्री लेने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो। उस तरीके से अभी भी 20 क्रेडिट मिल रहा है, तो लॉग इन हो जाने के बाद यहाँ क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना, फिर यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करना और वह इमेज सेलेक्ट कर लेना जिसे अभी हमने कैनवा से डाउनलोड किया है। फिर यहाँ अपलोड ऑडियो पर क्लिक करके ऑडियो अपलोड कर लेना। यहाँ जनरेट वीडियो पर क्लिक करके अपना वीडियो जनरेट कर लेना। अब आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है कैनवा पर, और यहां जो इमेज है उसको डिलीट कर दो और प्लस साइन पर क्लिक करना। यहां अपलोड्स पर आकर अपलोड फाइल से वह वीडियो अपलोड करना जिसे अभी आपने डाउनलोड किया है। अपलोड होने के बाद इस वीडियो पर क्लिक करो, उसके बाद अब इसे फिक्स पेज के साइज में रखना है, थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब दोबारा प्लस आइकॉन पर क्लिक करना और वह इमेज सेलेक्ट करना जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसे सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स पर आ जाओ और फिर BG रिमूवर पर क्लिक कर दो। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ही कैनवा के प्रो वर्जन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद इसको ऐसे जगह फिक्स करना है जहां पे DID का लोगो नहीं बन रहा हो। देखो, जैसे यहां पे 4 DID का लोगो है, उसके बीच में एक गैप है, तो हमें सिर्फ इमेज के फेस को ध्यान देना है और वहीं पे उसको रखना है। अभी इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, तो उसे उस जगह पर फिक्स करने के बाद इस इमेज को छोटा कर लेना, उसके बाद यहां पूरे पर क्लिक करके उसे डिलीट कर देना। देखो, आपका एक कैरेक्टर रेडी है। अब हम इसमें वीडियो बनाएंगे तो उसके फेस पर DID लोगो नहीं आएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। इसको हाई करने का मैं आगे बताने वाला हूं, तो इसे अभी एरो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। और आप ये सेटिंग्स देख सकते हो, आपको सेम सेटिंग रखनी है। और इमेज डाउनलोड करने के बाद DID पर वीडियो बनाते हैं। ये मैं आपको अभी स्पीड से करके दिखाता हूं। जेनरेट होने के बाद उसे डाउनलोड कर लेना और फिर वापस आ जाना कैनवा पर। यहां अपलोड पर क्लिक करके वह वीडियो अपलोड कर लेना और फिर वीडियो पर क्लिक करना। अब यहां ध्यान देना, आपको इस वीडियो को फुल बैकग्राउंड में सेट करना है, साइज बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना और ना पीछे वाले इमेज को डिलीट करना है। अब इस वीडियो पर क्लिक करें, फिर इसके साइड के पार्ट को कट करते जाना है। ध्यान रहे, आपको कॉर्नर को नहीं पकड़ना है, क्योंकि इससे इसका साइज छोटा बड़ा होने लग जाएगा। आपको सिर्फ लाइन के सेंटर को पकड़ते जाना है और कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। फिर इस वीडियो पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करना और फिर यहां नीचे सेंड टू बैक सेलेक्ट कर लेना। इससे जो इमेज है वो ऊपर आ जाएगा, तो फिर उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना और फिर फेस तक उसे क्रॉप कर लेना, ताकि जो लोगो पार्ट है उसके बॉडी पर वो हट जाए। आपको साइज पर ध्यान देना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना। और सेम इमेज से वीडियो जनरेट करने के कारण इमेज जस्ट उसके ऊपर आ जाता है,
ताकि हमको बाद में साइज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फेस को क्रॉप करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ नीचे इफेक्ट्स पर आ जाना और बीजी रिमूवर पर क्लिक कर देना। इससे बैकग्राउंड में जो लोगो था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो अब बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद किसी भी एक इमेज पर क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना। अब यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करके दोनों इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लेना और फिर अब इसे जूम कर लेंगे और सेंटर में फिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ तक देख के कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी तो पूरी खराब कर दी, लेकिन उसको हाई करने का भी आगे बताने वाला हूँ, तो अभी वीडियो स्किप मत करो। अभी आप यहाँ जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहो वो यहाँ ऐड कर सकते हो। सिंपल वीडियो पर क्लिक करना और फिर रिप्लेस पर क्लिक करना। यहाँ आप चाहो तो कोई भी इमेज डाउनलोड करके उसे अपलोड कर सकते हो। मैं अभी इसी से कोई भी ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले लेता हूँ और फिर सिंपल इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब लास्ट दो स्टेप बचे हैं, जिसमें पहला है इसे रील साइज में क्रॉप करना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैपकट ऐप को, और इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे ओपन करने से पहले हम वीपीएन को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कैपकट ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और वह वीडियो सेलेक्ट करके उसे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको यहां टाइमलाइन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहां एडिट पर क्लिक करना है, क्रॉप पर क्लिक करना और इसे 9:16 पर क्रॉप कर लेना और इमेज को उस साइज पर फिक्स कर लेना। फिर राइट पर क्लिक करना, यहां नीचे रेशियो सेलेक्ट कर लेना और फिर इसे रियल साइज पर सेट कर लेंगे। अब आप चाहो तो इसके ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो एआई वेबसाइट यूज करने वाले हैं वीडियो एनहांस करने के लिए, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है वी मेक वीडियो एनहांसर और फिर फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना। अब थ्री लाइन पर क्लिक करना और एआई टूल्स पर आकर वीडियो एनहांसर पर क्लिक करना। देखो यहाँ ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस ट्राई भी किए हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब यहाँ क्लिक एंड ड्रॉप टू अपलोड पर क्लिक करके वह वीडियो अपलोड करना जिसे हमने कैपकट से एडिट किया, और इसी वेबसाइट के भरोसे मैं आपको यहाँ सारा प्रोसेस बताया हूँ, क्योंकि कैनवा पर वीडियो एडिट करने से वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। तो यह 4 से 5 मिनट में आपको वीडियो एनहांस करके दे देगा जिसे आप हाई क्वालिटी पर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप अपने जीमेल से या टेम्प मेल से भी लॉग इन हो सकते हो, आपको फ्री 5 क्रेडिट मिलता है। अब देखो ये एक सिंपल प्रोसेस था वॉटरमार्क रिमूव करने की। अगर आपको एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत भी तो आप सिर्फ ट्रिक को समझो कि कैसे करना है, फिर कैनवा हो या कैपकट आप दोनों से वॉटरमार्क रिमूव कर सकते हो। वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंट आ चुका है, और याद रखना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है। तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बाकी सेम स्टेप्स फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं न्यू ट्रेंडिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।